बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज कुछ दोस्तों की फरमाइश आई है, जिहड़े ताजे स्टूडेंट आए उन्होंने कहा जी यूके दे विच आए हैं तो हांडी रोटी करन च मुश्किल हुंदी है, तो अज असी तुहानू दसदे हां जी कि आटा किस तरह गुनना। तो तकरीबन सहरी दे टाइम हले को 1.5 घंटा पिया वा खत्म होण नू, तो असी तुहानू अज आटा गुन के दसदे हां, साडे नाल रहो जी। पाकिस्तानी आटा गुनन वास्ते तुहानू थोड़ा जिहा खुला बर्तन चाहिए वा, जिन्ना भी तुसी आटा गुनना वा तो कोशिश करो कि जिन्ना खुला बर्तन होवे उहदे च आटे नू गोज जिहड़ी आ उह सही आउंदी आ। प्लास्टिक दा लै लो, पाकिस्तान ते साडियां माइयां जिहड़ियां उह परात दे विच आटा गुनदियां वा या कनाली हुंदी आ मिट्टी दी, ते उहदे अपने ही फायदे आ। ते फिलहाल असीं की कर रहे हां, असीं प्लास्टिक दा जिहड़ा बाउल है इह तकरीबन 2.5-3 kg का ये असी माल पा सकते हैं, असी इनू गुनते हैं जी। हुण आटे नू आटे की मकदार जिहड़ी आ उह तुहाडी जरूरत के मुताबक होएगी, जिन्ने बंदे आ खाण वाले उस हिसाब नाल तुसी गुनना। असी तुहानू एक्सपैरीमेंट वास्ते तकरीबन 2 कप जिहड़े आ ये आटा गुन रहे हैं। आटे च जिहड़ी सारिआं तों जरूरी चीज़ है वह हैगी आ सॉल्ट, ते ऐ असी जी गुलाबी सॉल्ट है जी पाकिस्तानी। ये नमक इन्ना क पाना वा जिस तरह आटे च लून नहीं पाईदा, बस। अच्छा जी, कुछ सवाल तुहाडे ज़हन च होणे आ कि आटे दे विच पानी किन्ना पाणा। आटे दे विच पानी की कोई पैमाइश नहीं हैगी, इहनू थोड़ा जिहा तुसीं पानी नू पा लैणा वा विच, ते इहनू तुसीं मिक्स करना शुरू कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी पाने तो बाद इनू अच्छे तरीके दे नाल मिक्स कर लेना। पानी जिहड़ा वा उहदी कोई पैमाइश नहीं है, जिस तरह तुहानू जरूरत पेगी उस तरह तुसी पानी ऐड करते जाना, ठीक है जी। आटा गुनण दा कमाल यही है कि आटा सॉफ्ट होना चाहिए वा और प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, जिन्हों पंजाबी असी कहते हैं कि गोज सही आ जाए। गोज का मतलब यह हुंदा वा कि ये कोई फुटकी शुटकी जिहड़ी है ना वह ना रह जाए। इनू अच्छे तरीके दे नाल पहले असी मिक्स कर लाँगे। पानी ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करना वा, इस करके कोई डरन वाली गल नहीं आ। अगर यह खुदा ना खास्ता नरम हो जाता वा तो कोई एड्डी वड्डी गल नहीं हो, ये दोबारा थोड़ा जा जिहड़ा कुछ आटा वा वह पा के तुसी उन्हों सीधा पदरा कर सकते हो। ऑलमोस्ट जिहड़ा ना पानी साडा बिल्कुल ठीक रहा ये। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੋਝ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਨਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁੰਨੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਰਤਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨੋ।
आटे नू पहले सारे बर्तन च इस तरह फैला के यदि तह ला लेनी है, फिर इस तरह मुक्के दे नाल इनू प्रेस करना, इनू गोश चंगे तरीके नाल दे के ठीक है इहदियां साइडां चेंज करी जानियां। इस तरह इनू इकट्ठा करके इहदा बॉल बना लेना। बॉल बनाने तो बाद दे विच इनू फिर दोबारा इस तरह बर्तन च फैला लेना। आटा गुनना बिल्कुल सिंपल है। असी भी जो यूके च आए सी असी भी समझते सी कि को आटा गुन के दे दे, यही सारियां तो मुश्किल है। टोटल 5 to 7 मिनट लगते हैं ठीक है। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पाओ। साडा आटा जिहड़ा वा ये हत्था दे नाल देखो ये बिल्कुल बर्तन दे नालों अलहदा हो रहा ठीक है। हुण असी की करांगे, जेदी जिन्नी जेब इजाजत दिंदी है ऑयल ले आओ ठीक है। यह थोड़ा जिहा ऑयल इहदे च पाया वा, ऑयल इस करके पाया कि यह सॉफ्ट हो जाए तो बिल्कुल इनू अच्छी तरह फिर दोबारा मिक्स कर लेना ठीक है। यह साडा जिहड़ा आटा वा ये बर्तन दे नाल बिल्कुल नहीं जुड़ रहा ठीक है जी। लो जी, अच्छा आटा गुन्नण दी निशानी यही है कि आटे च को फुटकी ना रवे और आटा बिल्कुल स्मूद हो जाए और इहदी एक बॉल बन जाए ताकि बर्तन दे विच तुसी देखो कि किसी जगह ते चिंबड़ नहीं रहा। जदों आटा बर्तन दे नाल चिंबड़ना छड़ दे समझो तुहाडा आटा रेडी है। असी इनू अपनी मर्जी दे नाल थोड़ी जी गोज होर दे लैने हैं ताकि बिल्कुल ये सैट हो जाए। ऐ जी आटा साडा रेडी है। आटा जदों रेडी हो जाए इहदे वास्ते बहुत जरूरी है कि आटा गुन्नण तों बाद तकरीबन उन्हों कोई 20 मिनट अद्धा घंटा जिहड़ा तुसी उन्हों रखना वा इसी तरह कवर करके। पंजाबी असी उन्हों कहिंदे आ आटा थोड़ा जिहा आठर जाए। आठर का मतलब यह है कि वह अपनी पोजिशन पर सैट हो जाए ठीक है। असी ये कोई डो इंपरूवर नहीं पाया, कोई ये यीस्ट नहीं पाया क्योंकि घर रोटी असी कुछ नहीं पाते। बिल्कुल असी यदि पतीरी रोटी बनानी या खमीरी नहीं बनानी, घरेलू काम वास्ते इस्तेमाल हो रहा है ना। तो एक तो सेहत वास्ते भी नहीं चंगा कि यीस्ट पाओ या कुछ, वह बाहरों रोज़ खाते हैं असी तो इस करके बिल्कुल सिंपल आटा असी बना रहे। ये हम थोड़ी देर पिया रहेगा फिर ये तुहानू रोटी बना के दिखाते हैं तो नंबर तुसी देने कि दसा चो किन्ने आए हैं। हाँ जी, हुण इहदे पेड़े करके तो असी रोटी बनाते हैं, वह भी बहुत सिंपल है देखो। यह जी टेबल असी साफ कर लिया वा, ये असी रखांगे खुशका। बिल्कुल असी छोटा जिहा पेड़ा लिया वा ठीक है। खुशके का यह फायदा वा कि यह ताड़ा टेबल दे नाल जुड़ेगा नहीं। दोनों साइडां तो इन चंगी तरह आटे दे नाल करके इनू इस तरह थोड़ा बहुत पतला कर लो। यह हथियार नू ते हर बंदा ही जानदा होना। जिहड़े बंदे अपने घर सुकून चाहते आ प्लीज़ रोटी पकाने तो बाद इनू बच्चों की पहुँच तो दूर रखो ते अपनियां बुढ़ियां की पहुँच तो भी दूर रखो। इनू बस सीधा पदरा ही करना,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਤਵਾ ਵਾ ਉੱਡੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਰੋਟੀ, ਚੌਰਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਸਲੈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲੈਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਜਿੱਥੇ ਪਕਾਉਣੀ ਆ, ਤਵਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਰਾਈਂਗ ਪੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਸ ਪੈਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਇਲ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂਠੇ ਟਾਈਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਅੱਜ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਂਠੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਐਜ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਪਰਾਂਠਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਦਹੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਭਿੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਉੱਨੀ ਕੁ ਖਾਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਬਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫੀ ਮਾਨਿਲਾ, ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।